शुरू करते हैं बिहार बोर्ड वालों के बच्चों के लिए जो यहां पे आप देख रहे हैं सेट कोड जी तो सेट कोड जी का जो मैं आंसर की लेकर के आया हूं ठीक है तो यहां आंसर की देखेंगे और आप लोगों ने कितना सही किया और कितना गलत किया वो इससे में क्या होगा कि पता चल जाएगा ठीक है तो आइए हम शुरू करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भोज होता है तो वो होता है जीरो याद रखना कि वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भूज क्या होता है जीरो होता है दूसरा प्रश्न कहता है कि समांतर श्रेणी जीरो एक तीन डी निकालना होता है डी निकालने का तरीका मैंने बताया था आगे वाले पद में से पीछे वाले पद घटा दो यानी एक वटा आठ में से घटाएंगे जीरो तो क्या होगा भैया एक में से आठ एक वाट आठ में से जीरो घटाएगा तो भैया एक वटे आठ ही तो होगा यानी ऑप्शन ए दर राइट आंसर ओके इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक तीन की ओर तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक तीन कहता है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद एस फाइव एन माइनस सेवन है तो इसका प्रथम पद होगा मतलब आपसे प्रथम पद ज्ञात करने के लिए करा प्रथम पद को हम ए वन से प्रेजेंट करते हैं क्या ए वन से प्रेजेंट करते हैं तो एन के जगह पे तो वन आ जाएगा तो हम एन के जगह पे वन रखेंगे तो पांच से एक में गुना करेंगे तो पांच और पांच में से सात घटाएंगे तो भैया माइनस का दो द राइट आंसर कोई दिक्कत नहीं इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक चार की ओर तो चौथा कहता है कि बिंदु ए जो है इतना और बिंदु बी इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक मध्य बिंदु का आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं ऑप्शन सी द राइट आंसर इसका ठीक है इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक फाइव की ओर तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक फाइव कहता है कि यदि त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक इतना है और इतना और इतना है तो इसके केंद्रक के निर्देशांक पूछ भैया मैंने आपको बताया था जब पढ़ाया था तो केंद्रक का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक बराबर क्या होता है तो यहां पे देख सकते हो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई ब थ्री कॉमा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री है ना तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा यानी ऑप्शन डी इधर राइट आंसर इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक अगला लेते हैं वह है छे

आप के क्षेत्रफल पर लगा कि इसको बना सकते हो तो के आ जाएगा आपको ठीक है तो यहाँ ऑप्शन सी आएगा इसका राइट आंसर ठीक है इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक सात की ओर तो साथ यहां पे आप देख सकते हैं कहता कि यदि त्रिभुज के शीर्ष इतना 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 है तो इसका परिमाप होगा जैसे कि आप निकालोगे क्या ये त्रिभुज है और त्रिभुज के तीन शीर्ष है मानो ए बी और सी तो आप क्या करना बी सी की दूरी निकाल लेना फिर ए सी की दूरी फिर ए बी की दूरी जब निकाल लोगे तो सबको आपस में जोड़ देना परिमाप का मतलब ये होता है सभी भुजा को आपस में जोड़ दिया जाता है तो आपका निकल के आएगा बारह इकाई कोई दिक्कत नहीं इसी प्रकार चलते प्रश्न क्रमांक आठ की ओर तो प्रश्न क्रमांक आठ कहता है कि बिंदु पी क्यू आर से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालोगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर यानी आठ इकाई ठीक है त्रिभुज के क्षेत्रफल से आप निकाल सकते हो प्रश्न क्रमांक नौ कहता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है क्या बच्चे से पढ़ते आ रहे हो एक डिग्री होता है ठीक है यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर प्रश्न क्रमांक दस में देख सकते हो दस कहता है कि त्रिभुज पी में पी क्यू बराबर पी तथा कौन क्यू बराबर चालीस डिग्री तो कौन पी का मान होगा सौ डिग्री होगा आप कहोगे कैसे तो देखो त्रिभुज है उसमें कहता है पी क्यू और आर है।, है पी क्यू आर जिसमें कहता है पी क्यू बराबर पी आर पी क्यू बराबर पी आर है यानी पी क्यू ये भुजा और पी आर ये है जिसमें कोण क्यू चालीस डिग्री तो कोण क्यू चालीस डिग्री बताइए दोनों भुजा बराबर है तो इसके कोण भी बराबर यानी ये चालीस तो ये भी चालीस जब ये चालीस चालीस अस्सी तो ये कितना होगा भैया एक सौ ना होगा तो कोण पी का मान पूछ रहा है तो कोण पी यानी एक सौ ठीक है निकल गया कोई दिक्कत नहीं चलिए अब हम क्या करते हैं प्रश्न क्रमांक ग्यारह की ओर चलते हैं प्रश्न क्रमांक ग्यारह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है देखो भैया प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक यानी दो तीन चार गिनती करते हो तो सबसे छोटी कौन आता है एक आता है तो यहां ऑप्शन सी द राइट आंसर जीरो मत कर देना जीरो क्योंकि हम गिनती करते हैं जीरो से नहीं गिनती करते हम एक से गिनती करते हैं तो सबसे छोटी एक है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या भैया अनगिनत होता है उसका कोई अंत नहीं होता है ठीक है तो प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं बारह की ओर तो बारह देख सकते हैं यहां पे दिया गया कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या रूट पर देखे यहां पूछ रहा है कौन सी परिमेय संख्या सॉरी मैंने अपरिमेय संख्या पढ़ दिया परिमेय संख्या पूछ रहा रूट पचीस है रूट पच्चीस है पच्चीस का वर्गमूल निकालोगे तो डायरेक्ट निकलेगा पांच ये हो जाएगा परिमेय संख्या ठीक है ऑप्शन ए देखो तेरह में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या आपसे पूछ रहा है देखो एक दशमलव तीन के ऊपर बार लगा ये तो परिमेय संख्या है सोलह गौर वो निकालोगे तो चार ये भी परिमेय संख्या है नौ बटे सताइस काटो तो नौ ती आई सताइस कटेगा यानी रूट अंडर तीन आएगा तो रूट अंडर तीन क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है कोई दिक्कत नहीं यानी ऑप्शन सी इधर राइट आंसर ये भी परिमेय संख्या है इसको परिमेय संख्या के रूप में बदला जाता है ठीक है मैंने बदलना आपको कई बार सिखा चुका है अब आइए प्रश्न क्रमांक चौदह की ओर चलते हैं प्रश्न क्रमांक चौदह कहता है कि यदि p और q दो अभाज्य संख्या तो उनका मौसा होगा भैया कोई p और q अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या ले लो जैसे कि अभाज्य संख्या दो हो गया उसके बाद ले लो तीन हो गया इन इन दोनों का क्या निकालना मौसम एच सी निकालना है सिंपल सी बात है एक आएगा मैंने निकालना सिखा दिया था आवाजी गुणन खंड करके निकाल सकते हो यानी ऑप्शन ए इधर राइट आंसर दो तीन का जब महत्तम निकालोगे तो एक आएगा कोई दिक्कत नहीं आइए प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं पंद्रह की ओर तो पंद्रह कहता है भैया एक दस सॉरी जीरो दस ना एक तीन और एक तीन के ऊपर बार लगा है तो पूछ रहा है कि इसका मान क्या हमने क्या बोला कि जैसे इसको पी वाई क्यू के रूप में बदलना है पूरा का पूरा संख्या लिख लो तेरह लिख लो और जितनी संख्या पे बार

tuh सिंपल सी बात है बारह का जब करोगे तो इसको तोड़ो दो गुने में दो दो दुनि चार आचार ती आई बारह यानी तीन आ जाएगा तो इसमें से निकालेंगे दो बारह अंदर यह आ जाएगा तीन तो दो रूट अंडर तीन का है ऑप्शन डीज द राइट आंसर कोई दिक्कत नहीं है भैया इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक अठारह की ओर तो अठारह देख सकते हैं यहाँ दिया गया कि यदि पी एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सौम पूर्णांक का रूप होगा तो ये होगा क्या भैया ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ठीक है आइए इसी प्रकार से हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक उन्नीस की ओर तो प्रश्न क्रमांक उन्नीस कहता है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है शांत पता करने के लिए आप क्या रो? जैसे कि मैंने बताया था कि दो के घात एम गुने पांच के घात एन इस पर देखना हर को तोड़ करके ठीक है तो जो आएगा दो और पांच के रूप में तो वही हमारा शांत होगा और दो पांच के अलावा कोई और आ जाएगा जैसे तीन आ जाए बेस में आ, सात आ जाए तो समझ जाना कि उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है तो भैया ऑप्शन डी द राइट आंसर सोलह को तोड़ लो तो सोलह पंचे अस्सी यानी हमारे पास जैसे सोलह पंचे अस्सी पाँच सोलह uh, को तौर के तो, तो कितना दो गुने दो गुने दो यानी दो दूनी चार चार दूनी आठ और आठ दूनी सोलह गुने में पाँच इतना आएगा सी को तोड़ोगे तो दो की घात आ जाएगी चार और गुने में पाँच अब देखो दो और पाँच आ रहा है बेस में ये हमारे पास ऑप्शन डी इधर राइट आंसर मैंने आपको बताया था ये सब एकदम गर्दा उड़ा के आए हो गए एग्जाम में निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है अब आसान पूछ रहा है तो सिंपल सी बात है दो और पाँच के अलावा बेस में देखना कोई अन्य आ जाए तो समझ जाना आशांत है तो वो होता है ग्यारह ग्रही एक सौ इक्कीस यानी ऑप्शन सी इधर राइट आंसर ठीक है अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक इक्कीस तो इक्कीस कहता है कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास होगा व्यास पूछ रहा है जब तिरजा निकालोगे दोनों को बराबर करके तो दो आएगा और व्यास हो जाएगा दो दो नीचे ऑप्शन डी द राइट आंसर कोई दिक्कत नहीं है चलिए प्रश्न क्रमांक बाईस की ओर चलते हैं बाईस में कहता है कि तेन तीन सेंटीमीटर तिरजा वाले गोले का आयतन होगा तीन सेंटीमीटर तिरजा वाले गोले का आयतन पूछ रहा है तो इसका जब निकालोगे तो छत्तीस पाई सेंटीमीटर की हो जाएगा ओके प्रश्न क्रमांक तेईस की ओर चलते हैं तो तेईस कहता है कि यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा तो इसका जबरी निकालोगे तो 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ठीक है प्रश्न क्रमांक 24 की ओर चलते हैं 24 24 का जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए इधर राइट right आंसर ठीक है क्योंकि ज्यादा समय लग जाएगा आप देखो 25 25 का इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन डी द राइट आंसर देख लेना ओके प्रश्न क्रमांक 26 क्या कहता है निम्न में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है तो घटना की प्रायिकता नहीं होना तो ऑप्शन डी द राइट आंसर क्योंकि तीन बट्टे दो है दो से हम भाग देंगे तो एक से ज्यादा हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि प्रायिकता की जो आ, किसी घटना की प्रायिकता होती है जीरो और एक के बीच होती है या तो फिर जीरो या फिर एक होता है एक से बड़ा नहीं होना चाहिए ठीक है अब हमारे पास सत्ताईस में प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है मैंने आपको बताया था जीरो होता है और अधिकतम मान एक होता है तो न्यूनतम मान पूछ रहा है तो ऑप्शन ए द राइट आंसर अट्ठाईस कहता है कि एक पासे को फेंका गया है एक विषम संख्या खाने की प्रायिकता होगी पासा को जब फेंकोगे

प्रायिकता हाँ प्लस प्रायिकता ना बराबर किसके बराबर होता है एक के बराबर होता है है कि नहीं तो प्रायिकता हाँ दिया गया जीरो दशमलव सात प्लस में प्रायिकता ना निकालना है हमको कहता ना इसके हारने की प्रायिकता मतलब ये होगा प्रायिकता ना तो प्रायिकता ना बराबर क्या होगा ये एक और इसको हम जब हल करेंगे तो प्रायिकता ना बराबर जो होगा इसको निकाल एक होगा ये प्लस का इधर आएगा माइनस का जीरो दशमलव सात तो एक में से जीरो दशमलव सात घटाएंगे तो जीरो दशमलव तीन आएगा दशमलव हटाओ तो बट्टे में ये दस आएगा तीन बट्टा दस आंसर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी द राइट आंसर कोई दिक्कत नहीं है चलिए प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं तीस की ओर तो तीस यहाँ पे देख सकते हैं तीस कहता है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यदि छाया निकाला जाता है तो इसके काला रंग का बादशाह होने की प्रक्रिया भैया काला रंग का बादशाह कितने होते दो होते बादशाह तो दो बादशाह हुआ काला रंग का और ताश के पत्ता में कितने पत्ती होते हैं बावन पत्ती होते हैं वो बावन काटोगे तो छब्बीस दुना बावन तो छब्बीस दुना बावन यानी एक वट्टा छब्बीस सी द राइट आंसर चलिए इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक इकतीस की ओर तो इक्कीस कहता है यहाँ पे चौसठ के अभाज्य गुणनखंड में दो का अधिकतम घात होगा भैया चौसठ को जब तोड़ोगे तो दो कितने बार आएगा छह बार आएगा तो दो का अधिकतम घात छे होगा यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर प्रश्न क्रमांक बत्तीस की ओर देख सकते हैं तो बत्तीस कहता है कि महत्तम समापवर्तक पी और क्यू गुणे लघुत्तम समाप्त और क्यू यानी प्योर

तो अब यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी द राइट आंसर हमने निकाल के पहले रखा हुआ है अब यहाँ सत्ताईस कहता है सैंतीस कहता है कि द्विघात वो इतना इतना के शून्य होंगे भैया इसका शून्य ज्ञात कर लो ठीक है गुणनखंड विधि से तो जब ज्ञात करोगे तो दोनों ऋणात्मक ही आएंगे यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर ठीक है प्रश्न क्रमांक अड़तीस है अड़तीस कहता है कि यहाँ पे देख सकते हो कि यदि बहुपद इतना इतना के शून्य एक दूसरे के वित हो तो के कामान होगा तो इसका के कामान होगा भैया माइनस के दो यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक उनचालीस उनचालीस कहता है पी एक्स इतना इतना तो पी इंटू वन का मान यानी एक्स के जगह पे वन रखना है तो इस समय x के जगह पे वन पुट करोगे तो एम, जो इसकी वैल्यू आएगी माइनस छः यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर होगा तो प्रश्न क्रमांक हम चालीस की ओर चलते हैं चालीस कहता है कि युग्म समीकरण टू एक्स प्लस के फोर वाई बराबर थ्री तथा इतना इतना का हल कर रहा है तो इसका हल निकालना है कोई दिक्कत नहीं जब निकालोगे तो इसका केवल एक हल होगा तो केवल एक हल पूछ रहा है ऑप्शन के हिसाब से निकाल लेना ए वन वटा ए टू और बी वन वटा बी टू बराबर सी वन वाटा सी टू की तुलना करके आप लोग निकाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है प्रश्न क्रमांक इकतालीस की ओर चलते हैं तो इकतालीस कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है तो भैया सिंपल सी बात है मानक विचलन यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्रमांक 42 तो 42 कहता है कि प्रेक्षण इतना इतना का बहुलक होगा बहुलक आपको पता है कि जो ज्यादा बार रिपीट होता है वही हमारा बहुलक होता है तो इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि 15 ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो इसका बहुलक 15 होगा यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर प्रश्न क्रमांक तैतालीस की ओर चलते हैं तैंतालीस कहता है कि प्रथम पांच प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा भैया पांच प्राकृत संख्या लिख लो और उसका माध्य जब निकालोगे तो भैया ऑप्शन बी द राइट आंसर यानी तीन होगा ठीक है आइए अब हम चौवालीस देखते हैं चौवालीस कहता है प्रेक्षण इतना इतना का माध्यक होगा भैया इसका माध्यक ज्ञात कर लो तो सबसे पहले इसको ग, बढ़ते या घटते क्रम में सजा लेना सजाने के बाद देखना जो बीच में आएगा वही हमारा माध्यक होगा तो बीच में आ गया हमारे पास बारह यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर प्रश्न क्रमांक पैंतालीस की ओर चलते हैं तो पैंतालीस यहाँ पे

की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों अठासी सेंटीमीटर के बराबर हो तो इसका आंसर क्या होगा जब निकालोगे तो इसका आंसर होगा वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो छोटा होगा वर्ग के क्षेत्रफल से ठीक है प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं अड़तालीस की ओर तो अड़तालीस यहां पे कहता है कि यदि किसी घटना का प्रत्येक सॉरी घटना कह रहे घन यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण होगा आपको घन का विकर्ण पूछ रहा है तो भैया इसका सही आंसर ऑप्शन ए इधर राइट आंसर ठीक है विकर्ण आपको पता ही ही होगा भी देखो ज़्यादा पूछ रहा है मैंने आपको जब पढ़ाया तो मैंने फॉर्मूला पूरा खत्म किया था एक वीडियो में है कि नहीं तो आप लोग देखे होंगे तो मार लिए होंगे बाजी कहता है तीर्जा आर तथा ऊंचाई एच वाले एक लंबी रीती है का आयतन मतलब शंकु का आयतन बताना है तो शंकु का आयतन क्या होता है एक बोटा तीन पाई पाई तो ये? की तो की ओर ऑप्शन बी राइट आंसर ठीक है ओके चलो प्रश्न प्रश्न क्रमांक पचास की ओर चलते हैं पचास कहता है कि यदि दो पीड़ितों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना इतना है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है जब निकालोगे तो सिंपल सी बात दो अनुपात पांच आएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर

प्लस अल्फा इसका जब फॉर्मूला पर सूत्र पर लगाओ तो एक आएगा एक से दो में गुना करोगे तो दो होगा ऑप्शन सी द राइट आंसर पचपन में कहता कि हमारे पास देख सकते हो पचपन यहां कहता है फाइव कॉशिक स्क्वायर फीट है माइनस फाइव स्क्वायर थीटा इसमें पाँच कॉमन ले लेना जब ये अंदर बचेगा उसका एक मान होगा एक से पाँच में गुना करोगे तो पाँच होगा ऑप्शन बी द राइट आंसर सिंपल सी बात है भैया तीन से एक सौ अस्सी डिग्री काटो तो छत्री अठार यानी सात डिग्री से कटेगा तीन तो अल्फा कमान सात डिग्री तो कॉस अल्फा यानी कॉस सात डिग्री का मान पूछ रहा है कितना होता है एक बट्टा यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर अब देखिए संतावन कहता है कि यदि ए साइन थीटा बराबर एक और बी कॉट बराबर एक तो टेन थीटा का मान होगा दोनों को सॉल्व करोगे तो भैया क्या होगा बी बाई ए होगा सॉल्व करके देख लेना ठीक है आइए प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं नहीं तो इसका मैं डिटेल में एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं सोल्यूशन के साथ बताऊंगा प्रश्न क्रमांक अंठावन कहता है एक बट्टा तीन किसका मान है भैया टेन तीस डिग्री का मान है ना ऑप्शन बी राइट उन, द राइट आंसर प्रश्न क्रमांक उनह उनसठ में देख सकते हैं इतना इतना का मान क्या होगा तो इसका ऑप्शन बी द राइट आंसर और उसी प्रकार हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक साठ की ओर तो साठ यहाँ पे देख सकते हैं साइन स्क्वायर फाइव प्लस में वन बटे वन प्लस टेन स्क्वायर फाइव बराबर होगा ऑप्शन ए द राइट आंसर इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो ठीक है प्रश्न क्रमांक क्या है इकसठ में देख सकते हैं यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना इतना है तो इसका सार्वंत्र ज्ञात करना है होगा माइनस के दो ठीक right है ऑप्शन डी द आंसर प्रश्न क्रमांक श्रेणी इतना ये सब समांतर श्रेणी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया बाईसवा पद होगा इसका ऑप्शन सी द राइट आंसर ठीक है तिरसठ का इसका सही आंसर क्या होगा ये हमारे पास क्वेश्चन इसका होगा बारह बटे तेरह ओके प्रश्न क्रमांक चौसठ में देख सकते हैं ठीकटा का मान पूछ रहा है आपसे ऑप्शन ए द राइट right आंसर प्रश्न क्रमांक हम चलते हैं पैंसठ की ओर पैंसठ में आप देख सकते हैं वन बटे टेन ठीटा बराबर पूछ रहा है तो कॉस्टिटा होगा सॉरी टेन ठीठा नहीं पूछ रहा है वन बटे साइन ठीटा पूछ रहा है तो वन बटे साइन ठीठा कॉस्टिटा के बराबर होता है ठीक है प्रश्न क्रमांक छियासठ कहता है क्या सेक बी सेक बी गुने कॉस बी है ये बीटा नहीं दिया हुआ सेक बी गुने कॉस बी पूछ रहा है तो यानी सेक ठीटा गुने कॉस्टिटा आप याद किए होंगे एक के बराबर होता है ना ऑप्शन डी द राइट आंसर प्रश्न क्रमांक सड़सठ में देख सकते हैं हमारे पास क्वीटा बरा एक वटा रूट अंडर तीन है तो उस थीटा का मान होगा ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन सीज द राइट आंसर यानी सी होगा ठीक है इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक अड़सठ की ओर तो अड़सठ कहता है ए बरा पैंतालीस डिग्री तो साइन ए प्लस कौश ए का मान क्या होगा तो पैंतालीस डिग्री पर एक बटा रूट दो एक बटा रूट दो दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा भैया एक बटे रूट अंडर दो ही होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भैया अब हमारे पास देख लेते हैं आइए प्रश्न क्रमांक हम सॉल्व करते हैं उनहत्तर की ओर तो उनहत्तर देख लेते हैं यहाँ पे टू साइन अल्फा बराबर दो तो अल्फा का मान होगा ऑप्शन डी द राइट आंसर नब्बे डिग्री इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक हम सत्तर की ओर तो सत्तर का दिन इसका तो डायरेक्ट बोलो एक एक ठीक है ऑप्शन बी द राइट आंसर प्रश्न क्रमांक इकहत्तर इतना इतना है तो भैया इसका मान पूछ रहा है यानी के का मान पूछ रहा है तो ऑप्शन डी द राइट आंसर दोनों को सॉल्यूशन का संपाति रेखा वही ए वन बटा ए टू इस पर तुलना करना ठीक है जो हमारे दिए गए हैं स्टेप अब हम चलते हैं बतर की ओर बतर ये देखो यह इसी पे तुलना करना होगा उस क्वेश्चन को तो ये हमारे पास दिए गए हैं इसका कहता अनगिनत हल अनगिनत हल क्यों होगा क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है तो अनगिनत ही हल होगा ना सिंपल सी बात है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर प्रश्न क्रमांक तिहत्तर की ओर चलते हैं तो तिहत्तर कहता है निम्न में से कौन सा द्वितीय समीकरण है, है। द्वितीय यानी द्विघात समीकरण पूछ रहा है जब इसको हल करोगे तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर चौहत्तर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है तो ऑप्शन डी द राइट आंसर ठीक है ये द्विघात समीकरण नहीं है देखो द्विघात समीकरण का अगर देखोगे तो अधिकतम घात दो होना चाहिए जब सॉल्व करोगे तो अधिकतम घात दो नहीं होगा इसका अब देखते हैं पचहत्तर पचहत्तर कहता है कि यदि इतना इतना बड़ा जीरो का मूल हो तो, तो भैया क्रमांक कितना तो छिहत्तर की ओर तो छिड़ आप देख सकते हैं यदि के प्लस के फोर बराबर जीरो का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो के का मान ज्ञात करना जब निकालोगे तो के की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस चार ठीक है तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओके okay, यानी कि मान होगा माइनस चार से छोटा समझो तो ओके okay? अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक सतर की ओर तो सतत्तर आप देख सकते हो कहता है कि यदि अल्फा तथा तो बीटा द्विघात समीकरण इतना इतना हो तो क्या कहता है कि अल्फ़ा प्लस में बीटा माइनस के रूट अंडर थ्री बराबर वैल्यू होगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाल लेना उसमें से रूट अंडर थ्री का मान घटा देना तो ऑप्शन सी द राइट आंसर होगा इसका सही आंसर कोई दिक्कत नहीं है भैया प्रश्न क्रमांक अठहत्तर कहता है समांतर श्रेणी इतना का चौदहवा पद ज्ञात करना चौदहवा पद निकालोगे तो पचपन आएगा ठीक है इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक उसी की और उनासी का निम्नलिखित में तो से कौन सा समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी में पता करना है जिसका सार्वंतर समान होता है और समांतरण श्रेणी में होता है ऑप्शन ए द राइट आंसर इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक अस्सी की ओर प्रश्न क्रमांक अस्सी का समांतर श्रेणी इतना इतना का इनवा पद ज्ञात करना एनवा पद ज्ञात करोगे तो भैया इक्कीस माइनस के पांच एन होगा ठीक है यानी ए एन बराबर फॉर्मूला रख करके उस पर निकाल लेना तो इक्कीस माइनस के पांच एन आएगा इसी प्रकार चलते हैं प्रश्न क्रमांक एक्सी की ओर इक्यासी यहाँ पे दिया गया इसका जब सॉलूशन करोगे तो ऑप्शन डी द राइट आंसर एक आएगा इसका जब सॉल्यूशन करोगे भैया तो एनसीईआरटी की बुक का है आपको पता होगा साइंस जीरो डिग्री होगा बस घुमा दिया आपको है ना अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक तिरासी की ओर तो तिरासी कहता है कि बिंदु सात का दस किस पाद में स्थित है किस पाद में स्थित है भैया ऑप्शन ए में प्रथम पाद ये तो सिंपल सी बात प्लस प्लस है ना प्रथम पाद बोलो ना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर किस पाद यानी किस चतुर्थांश पूछ रहा है सिंपल सी बात है शब्द का हेर फेर है टेन पैंतालीस डिग्री रेशियो टेन साठ डिग्री का वैल्यू बोल रहा है क्या होगा सबका अलग अलग मान रख लेना और इसका रेशियो निकाल के दे, देखना है। एक अनुपात तीन होगा एक एक अनुपात रूट अंडर तीन ऑप्शन सी द राइट आंसर प्रश्न क्रमांक पचासी कहते हैं एक्स अक्ष पर किसी स्थित बिंदु के निर्देशांक होते हैं एक्स अक्ष पर कहे तो वाई हमारा जीरो होता है यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर और वाई पे कहे तो एक्स हमारा क्या होता है जीरो होता है अब हम चलते हैं छियासी की ओर तो छियासी कहता है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात

नवासी कहता है कि रेखा इतना ये वाई बराबर चार का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी है ना ये पूछ रहा है देखो इसका सही आंसर ऑप्शन डी द राइट इन इनमें से कोई नहीं देखो कहने का मतलब जैसे इसको समझा देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे जैसे कि ऊपर वाई होता है मान लो कि यहाँ पे चार है

इक्यानवे की ओर चलते इक्यावे का इसका सही आंसर क्या होगा देख लीजिए ऑप्शन बी द राइट आंसर जब सॉल्व करोगे तो दस सेंटीमीटर प्रश्न क्रमांक बिरानवे की ओर चलते हैं बिरानवे यहाँ पे आप देख सकते हो भैया बिरानवे का तो ये है क्वेश्चन इसका नब्बे डिग्री आंसर ठीक है बोलते बोलते यार थक जाता हूँ तिरानवे का आंसर देख लो तिरानवे ये क्वेश्चन है हमारे पास इसका जो सही आंसर होगा वो हुआ ऑप्शन ए यानी चार सेंटीमीटर और यहाँ पे चौरानवे का आंसर होगा भैया आठ सेंटीमीटर ठीक है मैं बता रहा हूँ आप देख लेना पंचानवे का जो आंसर होगा भैया बारह सेंटीमीटर एंड यहाँ पे छियानवे का जो आंसर होगा भैया दो ठीक है यानी दो किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा आपको पता होगा बनाए होंगे तो ठीक है संतानवे की ओर चलते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा भैया पचास डिग्री यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर अंठानवे की ओर चलते हैं इसका बी ठीक है और उसके बाद हम चलते हैं निन्यानवे तो हम निन्यानवे ले लेते ले ले हैं निन्यानवे और सौ दोनों देख लेते हैं निन्यानवे का इसका आंसर ऑप्शन सी और सौ का होगा भैया ऑप्शन सी अस्सी डिग्री तो आपने समझ लिया लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो फिर अगली वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए बाय